तो नमस्कार दोस्तों, तो इस समय हम जो है खड़े हैं ये नए फील्ड में। तो ये नव निर्माणाधीन फील्ड है और जो कि राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटी धार के अंतर्गत है। और इस फील्ड को अभी इसका पहला मैच इस समय हो रहा है, देख सकते हैं आप। अभी ये निर्माणाधीन है और अभी इससे कई काम है, तो देख सकते हैं आप भविष्य में यदि ये पूरा फील्ड बन जाएगा तो कितना बड़ा फील्ड हो जाएगा और छोटे नन्हे मुन्ने नौनिहालों के लिए कितना सुंदर रहेगा। जब वो क्रिकेट खेलेगा, खो खो खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, कोई भी खेल आदमी यहाँ पर खेल सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो ये बहुत अच्छी ही बात हुई है। ये जो अभी हम चल रहे हैं ये घनसाली टिहरी मोटर मार्ग और ये ऊपर राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटी धार, और यहाँ पर ये बोर्ड तो यहाँ से इसका जो है नए फील्ड के लिए जो यहाँ से ये सड़क मार्ग जाएगा तो आपको ले चलते हैं इसी सड़क मार्ग से नए फील्ड में, जो फील्ड की विधायक निधि से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें कि कई वर्षों तक इस फील्ड पर कार्रवाई होती गई। तो अंततः इस फील्ड को जो है इस वर्ष 2020-21 में यह बनकर तैयार हुआ। अभी पूर्णतः तैयार तो नहीं हुआ, देखते हैं। तो पूरा इस फील्ड का आपको दृश्य अवलोकन कराया जाएगा और दिखाया जाएगा कि यह फील्ड कितना लंबा चौड़ा है और भविष्य में नन्हे मुन्ने नवयुवक खेल प्रेमियों के लिए यह कितना अच्छा साबित हो सकता है। तो देख सकते हैं इस समय जो यहाँ पर ये आए हैं रेस में फास्ट, इस समय जो है यहाँ पर भी कुछ इस ग्राउंड पे भी कुछ प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही है। तो इस समय देख सकते हैं तो इतना बड़ा फील्ड यहाँ पर तैयार हो चुका है और अभी कुछ बच्चे भी यहाँ पर आ रखे हैं। तो ये फील्ड आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है और भविष्य में कितना अच्छा यह खेल प्रेमियों के लिए हो सकता है। तो अभी भी इस फील्ड पे बहुत काम बाकी रह रखा है। नमस्ते नमस्ते, ये सुखदेव जी हैं। तो सुखदेव बताएं इस समय आप कौन कौन से गेम खेले हैं और अभी किस एक गेम भी नहीं खेला सर है? अभी एक भी नहीं खेला मैंने। और यहाँ पर क्या क्या गेम होगा? अभी यहाँ होगा भाला चक्का और गोला सर। भाला चक्का और गोला, जिसके लिए जो ये अंडर सेवन ये लाइनिंग यहाँ पर हो रखी है और कुछ बच्चे यहाँ पर एकत्र हो रखे हैं। और ये खेल महाकुंभ 2021 राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटी धार के तीनों प्रांगणों में ये नया प्रांगण यहाँ पर जो है एकदम तैयार हो चुका है। भी खेल आदमी खेल सकता है बिना किसी झंझट के और बिना किसी दिक्कत के। हाँ, क्रिकेट भी यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि बच्चे कभी खेतों में खेलते हैं, कभी सड़कों में खेलते हैं, तो अपना जो है अपनी टीम को लेकर के जो है इस फील्ड में आ सकते हैं। हम देख सकते हैं इस फील्ड को अभी ये जो है नवनिर्मित हो रहा है, अभी इसका निर्माणाधीन है, निर्माण इसका चल रहा है। इसके बारे में अभी बताएंगे हमारे विकास खंड बिलंगना के राजकीय शिक्षक संघ के संरक्षक श्री लोकेंद्र रावत जी। इस फील्ड का पूरा व्याख्यान करेंगे कि इस फील्ड के को बनाने के लिए उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। तो दोस्तों इस समय जो है मेरे साथ श्री लोकेंद्र रावत जी हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस फील्ड के बारे में श्री रावत जी बताएंगे हमें विस्तृत से। तो रावत जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है इतनी मेहनत से इस फील्ड को बनवाया, तो इस फील्ड के पूरा बनने तक का जो है सफ़र आप बताएं कि कैसे कैसे आपने इसमें कष्ट झेले। धन्यवाद आदरणीय गुरु जी का। पहले मैं तो आपका चैनल जो आकृति चैनल है उसको धन्यवाद दूंगा। आप लोग हमारे विकास खंड की जितनी भी प्रतियोगिता होती है उसको आप लोग अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से
हमारे विकासखंड में जो कमियां हैं, फील्ड की सबसे बड़ी बहुत बड़ी फील्ड की कमी थी, उसको आदरणीय विधायक श्री शक्तिलाल शाह जी के द्वारा उन्होंने PWD से ये फील्ड का निर्माण करवाया है। फील्ड बहुत अच्छा बन रहा है और अभी इसमें निर्माण कार्य जारी है। मैं बताऊं आपको, इस विकासखंड में न्याय पंचायत, 14 न्याय पंचायत और संकुल के स्तर की रैली ये तो युवा कल्याण वाले कराते हैं, और उनके जब वो कराते हैं तो हम भी सभी व्यायाम शिक्षक उसमें ड्यूटी लगती है। हमारे ब्लॉक में अलग अलग प्रतियोगिता होती है, शरदकालीन और शीतकालीन रैली। इसमें हमें बड़ी दिक्कत आती थी, जब यहाँ पर फील्ड नहीं था तो हमें सड़कों में बच्चों को दौड़ाना पड़ता था और बच्चे हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होते थे, कभी पैर चोट लग जाती थी, कई प्रकार की परेशानी हमको हुई। यहाँ पे गोला चक्का भाला के लिए फील्ड नहीं था तो हमें बड़ी दिक्कत आती थी। तो जिस तरह से हम कई सालों से, विगत 20 वर्षों से हम इस प्रतियोगिता को करा रहे हैं और ऐसे झेल रहे थे, छोटे छोटे फील्ड में बच्चों का बच्चों से अनावश्यक दबाव पड़ता था बच्चों पे, और वो बच्चे उतना प्रतिभाग नहीं कर पाते थे जिस फील्ड से हिसाब से, जैसे आपको गोला फेंकना है, चक्का फेंकना है, भाला फेंकना है, तो उसके लिए बड़ा फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, या हमें दौड़ करानी है तो ट्रैक में, ट्रैक अब जब बन जाएगा तो ट्रैक में बच्चे सीखेंगे, आगे की प्रतियोगिता भी जिले स्तर पर वो ट्रैक में दौड़ते हैं, जब बच्चा ब्लॉक में ही सही ढंग से सीखेगा तो वो आगे जाएगा। तो फील्ड की बड़ी कमी थी और उस फील्ड को कमी आज हमारे जो माननीय विधायक जी हैं शक्तिलाल शाह जी के द्वारा पूरा किया गया, उसके उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं राज के इंटर कॉलेज घुमेड़दार के समस्त शिक्षकों को और प्रधानाचार्य को। वास्तव में बार बार ये स्कूल जो है प्रत्येक रैली इसमें होती है और इनका पूरा सहयोग मिलता है हमको। तो फील्ड का जो निर्माण कार्य है अभी उसमें काम अधूरा है, आधा काम हो गया है, और ऊपर से पूरा फील्ड 200 मीटर का ट्रैक नहीं बन पा रहा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, आप लोग विधायक साहब के माध्यम से और सरकार के माध्यम से उस पूरे फील्ड को पूरा 200 मीटर का ट्रैक बने, उसमें बैठने के लिए चौकराई से ऊपर चैनल बने बैठने के लिए, और ताकि उसमें हम ट्रैक बनाएं और वहां पर गोला चक्का भाला हाई जंप लॉन्ग जंप सारी प्रतियोगिता नीचे हो, ताकि स्कूल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि स्कूल में छोटा ग्राउंड है और बड़ा ग्राउंड, छोटा ग्राउंड एक ऊपर है, तो दोनों फील्ड में हमें कराना पड़ता है, तो बच्चों को चोट लगने की संभावना होती है, जो बच्चे खेल रहे हैं और जो देख रहे हैं, इसलिए हमें बड़ा डर लगता था। आज उस फील्ड को बने हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी अधूरा है। तो मेरा निवेदन आपसे कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से इस फील्ड को पूरा करवाने में अपना अमूल्य सहयोग देंगे, और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस विकासखंड रैली का जो कार्यक्रम है, अब शीतकालीन रैली आएगी, क्योंकि 2 साल कोरोना का काल था, उसमें रैली नहीं हो पा रही थी, और बच्चे आज बड़े खुश हैं कि हमें ऐसा फील्ड मिला। तो अभी मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस खेल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब फील्ड होगा तभी बच्चे आगे प्रतिभा कर पाएंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे रावत जी का, और रावत जी के सौजन्य से ही मैं मानता हूं कि आपने जो है विभिन्न प्रयास किए हैं इस फील्ड के लिए। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि जब भी हमारे कोई विधायक आते थे, कोई गणमान्य व्यक्ति आते थे, तो इस फील्ड का जो है हम उनके पास बोलते थे, और कई बार तो ये है कि इसका जो प्रस्ताव ही हमने जो शासन तक पहुँच रखा था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इस समय जो है शायद आप लोगों के मेहनत का ही फल है कि जो इस समय ये फील्ड बनकर तैयार हुआ है। धन्यवाद है आपका कि आपने अपना समय दिया और इस फील्ड के बारे में जानकारी दी।